तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। अरे तुम्हारा ये पहले आप करते करते ना पता नहीं तुम्हारी ये लव स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होने वाली। एक काम करते हैं, तुम मानवी को लेके एक वेकेशन पे जाओ कहीं दूर, जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट कर सको। इट्स अ गुड आइडिया मॉम, कहाँ जाए? मैं डिसाइड करती हूँ कहाँ पे जाओगे। यूरोप? नहीं, यही कहीं इंडिया में। नैनीताल। गुड आइडिया मॉम, मैं मीडिया में बोलता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया, ताकि वो लोग हमें नैनीताल में तंग ना करें। मैं जाके टिकट कराता हूँ। टिकट्स मैं करवाऊंगा, तुम जाके सिर्फ पैकिंग करो, जाओ। और हाँ, अगर इस बार तुम अपने दिल की बात नहीं कहे उससे तो घर में घुसने नहीं दूंगी, देख लेना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तुम्हारी यही सारी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार। क्या? क्या? इतना खुश क्यों? अरे मैं खुश हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी खुशी से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पागलपन से डर लगता है। पागलपन से? हाँ, कोई पागल ही होगा ना जो बिना वजह ऐसे हंसेगा और गुनगुनाएगा। इतनी बोरिंग हो यार तुम, डोंट किल माय वाइब। तो बताओ क्या हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, तो बताओ ना क्या हुआ, किस बात के लिए इतने खुश हो? तुम मुझे खुश देख के थोड़ा सा भी खुश हो सकती हो क्या? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कल रात को हमारी एक डिस्कशन हुई थी, रिमेम्बर? पापा और बाबा अब भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कोई तो तरीका होगा जिससे हम इन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर सके। यही चाहती हो? हाँ। वो शायद बाबा और पापा को साथ लाने के बारे में कुछ सोचा होगा राहुल ने। इतनी कोई लंबी डिस्कशन नहीं हुई? हाँ, मुझे याद है। बोलो क्या सोचा तुमने? Well, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? Well, गुड न्यूज़ ये है कि हम नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल? हाँ, ये तो वाकई में गुड न्यूज़ है। Exactly. फिर वहां जाके देखता हूँ अपने दिल की बात कब तक छुपाओगे अपने दिल में। पूरी फैमिली इकट्ठे छुट्टी पर जाएगी तो मिलजुल के रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। क्या सोच रही हो? पैकिंग के बारे में? Exactly. कर लो। इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। कल ही परेशान थी मैं बाबा और पापा की नाराजगी को लेकर, लेकिन आज इसने आज प्लान ही बना दिया। अरे राहुल ने प्लान तो कर लिया, लेकिन बाबा को कौन बताएगा? बाबा को तो ऐसे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मैं एक काम करती हूँ, बाबा को फोन करके बता देती हूँ। एक बार फिर से सोच लो अग्नि, तुम जो करने जा रहे हो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाउ स्वीट, तो आ रहे हैं वो? हाँ मम्मी जी आ रहे हैं। आपको पता है पहले तो माँ बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग नैनीताल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर मैंने भी साफ साफ कह दिया अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी, इसीलिए तो मान गए वो। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मम्मी जी हमारे फैमिली वेकेशन के बारे में, हम सब नैनीताल जा रहे हैं ना, आपको राहुल ने बताया नहीं? क्या बोल रही हो तुम? अच्छा यानी कि राहुल ने आपको सही से नहीं बताया। चलो छोड़ो मैं ही बता देती हूँ। अब मम्मी जी आप ही देखिए ना, हम नैनीताल जैसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो इस बात को छुपा के क्या फायदा, और सबको अपने अपने हिसाब से पैकिंग करनी है, तो ये बात अगर पहले ही पता हो तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। इसीलिए मम्मी जी मैं आपको चुपके से ये सीक्रेट बता देती हूँ, राहुल ना पूरी फैमिली का टूर प्लान कर रहा है नैनीताल का, और आपको पता है हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ पे कितना टाइम लगाना है, ये सब राहुल ने नोट करके रखा है। हाय मैम, शालीन सबरवाल। ओह शालीन, कम हाय, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया। एक्चुअली ये मुंबई बेस्ड कंपनी है ना, सो वी डोंट हैव एनी ऑफिस हियर। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। रिलैक्स, एक्चुअली मैंने तुम्हारे कुछ पुराने सॉन्ग सुने एंड सच में तुम में बहुत पोटेंशियल है। आई वुड लव टू वर्क विथ यू। थैंक यू फॉर दैट, बट आई थिंक यूजुअली लोग राहुल को प्रेफर करते हैं। राहुल ऑलरेडी एक स्टार है और मुझे स्टार के साथ काम करना नहीं, स्टार बनाना पसंद है। Well, then तो I will assure you कि आपने कोई भी गलत चॉइस नहीं करी है। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और
I'll prove myself. Oh, that's great. Mama! क्या हुआ? आपको प्यार हो गया किसी से? मैंने देखा फिल्मों में लड़कियां ऐसी हरकतें तभी करती हैं जब उन्हें किसी से प्यार होता है. Oh my God, डैड का क्या होगा? डिवोर्स का पेपर मांगो. लड़के को फोन करो. क्या हुआ? बताओ. अब इसको कैसे बताओ? ये मान भी ना, क्या जरूरत थी कसम देने की मुझे? हेलो, क्या हुआ? वो कल का. कल की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा. इतनी टेंशन? डोंट वरी. मां, क्या हुआ बोलो ना. डैड तो ठीक है ना? डैड की बात नहीं है, वो बात मुझे बतानी तो है लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगी. क्या हो गया मॉम? ऐसे जी, किसी ने कसम कसम दी क्या? गॉड, तुम कौन हो? देख रही हूँ एक शादीशुदा इंसान अपनी बीवी को कैसे धोखा देता है. बहुत रबिश, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही. मैं देख रही हूँ तुम आदमियों का ईमान कैसे डोल जाता है. नहीं, बेचारी बीवी को तो खबर ही नहीं होगी कि तुम बाहर क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हो. शट अप, झूठ बोल रही हो तुम. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. अच्छा, पर ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो कुछ और ही कह रहा है. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का हाथ पकड़ने की? हाँ, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी माँ है. अगर मैं जानता होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता. और प्लीज इनको बोलो ना कि वो वीडियो मुझे दे दे. वो ये निशा को दिखा देगी तो प्लीज प्लीज बोल दो ना उनको. क्यों क्यों ना पता चले? अरे उसे भी तो पता चले कैसे गुल खिला रहा है उसका पति. पहले तो शायद तेरे गिर गिराने पे मैं तुझे छोड़ भी देता, पर तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया. इसकी सजा तुझे देनी होगी. प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो. वो ना प्रियंका ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था इसलिए ऐसा हो गया. और मैं जानता भी नहीं था कि तुम्हारी माँ है, वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. प्लीज डैमिट, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? आई मीन किसी ने देख लिया होगा तो फंस जाऊंगा मैं. निशा, निशा को अगर पता चल गया तो मुझे छोड़ ही देगी और मेरी फैमिली भी डिसओन कर देगी. पापा, क्या करूं मैं, क्या करूं? आई मीन कबीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. आई विल बी ओवर. गॉड, कहां फंस गया हूं मैं? सारी गलती मेरी. निशा, आई रियली लव हर. जानबूझ के तो मैं उसके साथ ये कर भी नहीं सकता. और शालीन, तुम आ गए. शालीन, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? आई मीन तुम ऑनलाइन थे, रीड कर रहे थे बट रिप्लाई नहीं कर रहे थे. आई नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तुम्हारी एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट एक बार कॉल तो कर लिया होता. अच्छा शालीन, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? उन लोगों को तुम पसंद आए या नहीं? मैं भी कैसे स्टूपिड से क्वेश्चन पूछूं? ऑफ कोर्स तुम उन लोगों को अच्छे लगे होगे. अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें ऑफर क्या किया? आई मीन क्या डील साइन हुई? किस किस से मिले तुम? शालीन मुझे हर एक डिटेल जाननी है, बताओ ना क्या हुआ फिर उसके बाद. निशा को चुप कराना इम्पॉसिबल, पर मैं इससे क्या कहूँ? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसमें कैसे फंस गया. इसे कैसे समझाऊँ, क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं खुद नहीं जानता.